भारत में कोरोना वायरस एक्शन मोड में है और अब फिर से देश की बड़ी हस्तियों को अपनी चपेट में ले रहा है। कल अभिनेता परेश रावल के पॉजिटिव होने की खबर सामने आई थी। आज सचिन तेंदुलकर के कोरोना पॉजिटिव होने से देश सन्न है। हाल ही में सचिन रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलकर लौटे थे। अमिताभ बच्चन ने सचिन के जल्द ठीक होने की कामना की है। ये दोनों ट्वीट सबूत हैं कि कोरोना महाराष्ट्र में फुल स्विंग में है और एक बार फिर देश की बड़ी हस्तियां अब इसकी चपेट में आ रही हैं। जी हां, क्रिकेट के भगवान और बॉलीवुड के बाबू भैया कोरोना की गिरफ्त में हैं। आज सुबह 10:16 पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। 47 साल के सचिन तेंदुलकर ने कहा, हल्के लक्षण के बाद मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। इसके अलावा मैं इस महामारी से संबंधित सभी जरूरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा हूं। मैं सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देता हूं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज खेलकर लौटे हैं। सचिन का कहना है कि वो संक्रमण से बचाव के लिए हर तरह की सावधानी बरत रहे थे, मगर फिर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि सचिन के परिवार के सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव है। सचिन तेंदुलकर के अलावा अभिनेता परेश रावल का पॉजिटिव होना भी सबको चौंका रहा है, क्योंकि परेश रावल ने 9 मार्च को ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली थी, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। परेश रावल ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से जल्द टेस्ट कराने की अपील की है। भारत में कोरोना की नई लहर दस्तक दे चुकी है। वहीं महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बनकर उभरा है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में करीब 37,000 केस सामने आए, जिसमें से 5,513 केस सिर्फ मुंबई से हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।